नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर आता रहता हूं। तो आज विषय मैंने चुना है वो है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, ये ऐसे शब्द हैं जो साधारण लोगों को भी, क्लाइंट्स को भी और ज्योतिषियों को भी बहुत आकर्षित करते, लेकिन इसके मर्म को समझना बहुत जरूरी है। नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो बनाया था मैंने, विपरीत राजयोग पर भी बनाया था, लेकिन आज फिर एक विपरीत राजयोग पर बना रहा हूँ वीडियो और उसके मर्म को मैं आशा करूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या सीधे शब्दों में कहूं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग का उच्चारण ज्यादा होता है। और बेसिकली बहुत लोग द्वादश में बैठा हुआ है, अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है, षष्ठेश छठे भाव में बैठा हुआ है, ऐसा देखते ही विपरीत राजयोग की घोषणा कर देते हैं और कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा समय आपका जाएगा। मैं एक कुंडली उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस कुंडली को आप ध्यान से देखिएगा और जो बिंदु मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उस बिंदु को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं कुंडली की तरफ, यानी कुंडली शेयर करके आपको बताता हूं। आप लोग चाहे तो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं, 22 नवंबर 1948 सोमवार का दिन है और 22 मिनट रात के, यानी 12:22, 22 नवंबर ही होगा, रात 12 बजे के बाद 22 नवंबर तारीख पड़ जाती है। और बनगांव वेस्ट बंगाल का प्लेसमेंट है, यानी जन्म स्थान। ये सिंह लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। और ये बोलने के पहले, कुछ और बताने के पहले, एक किस्सा है छोटा सा मैं बताना चाहूंगा। ये 2009 के आसपास का किस्सा है, जिस वक्त इसके भाई ने मुझसे कंसल्ट किया था, 2009, हाँ 13 फरवरी 2010 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही है। पावरफुल बंदा है और राजनीति में दखल रखता है, बहुत सी चीजों में दखल रखता है। सूर्य की महादशा चल रही थी जिस वक्त मेरे से कंसल्ट हुआ था इसके भाई के साथ, और इसके भाई ने मुझे उस वक्त कहा था कि चंद्रमा की महादशा आ रही है, स्वग्रही है चंद्रमा, तो राजयोगकारी स्थिति बनेगी, यानी राजयोग सृष्टि हो रही है। तो वो लोग भी ज्योतिष पे दखल रखते थे, जैसा कि बहुत से जनरल लोग ज्योतिष पे दखल रखते हैं। ज्योतिष पे दखल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जनरल तौर पे ज्योतिष पे दखल जो रखते हैं उनकी अपनी एक सीमा है, बुरा कोई ना माने, वो हम जैसे प्रोफेशनल्स के साथ टक्कर नहीं ले सकते, भले कितना भी अपने को समझे कि हमें बहुत जानकारी है। जानकारी हो सकती है आपको, लेकिन आपके पास कुंडली देखने का अनुभव नहीं। हमने हजारों कुंडलियां देखी है, आपने 50 भी नहीं देखी होगी ठीक से। व्यक्तिगत तौर पे जो मतलब प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, तो उनके पास कितने लोग आएंगे, गिने चुने मित्र रिश्तेदारों की कितनी कुंडलियां देख लेंगे, 100-200 बहुत ज्यादा। कुछ लोग शौकिया शुरू कर देते हैं तो वो भी देख लेते होंगे कुछ, लेकिन प्रोफेशनल्स की बात अलग है। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ ये बात, प्रोफेशनल्स होना एक अलग चीज है, उसको अपनी एक पकड़ होती है, उसकी अपनी एक नॉलेज होती है। खैर मुद्दे पे लौटते हैं, ये चंद्रमा यहाँ स्वग्रही है और उनके भाई साहब बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार थे, उन्होंने मुझे कहा कि चंद्रमा स्वग्रही है, राजयोग सृष्टि कर रहा है। स्वग्रही चंद्रमा, जब भी कोई भी ग्रह स्वग्रही होता है, वो भी बुरे भावों का लॉर्ड, जैसे 6-8-12 का लॉर्ड, तो राजयोग सृष्टि करता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये दशा चंद्र की अच्छी नहीं जाएगी, बहुत नॉर्मल तौर पे मैंने ये बात उनको कही थी उस दिन। लेकिन मेरे इतना कहते ही जैसे उनके अहम पे चोट लग गई,
राजयोग सृष्टि हो रही है, राजयोगकारी दशा आ रही है। वो लोग तो बैठे हुए थे ये सोच के, पता नहीं अभी एमएलए एमपी बन जाएंगे और बहुत भारी सफलता आने वाला समय आ रहा है, अब मैं तो दिल तोड़ दे रहा हूं उनका ये बात बोलकर। जैसे कि मेरे विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग वाले वीडियो पे भी कुछ कमेंट ऐसे ही आए थे। तो वस्तु स्थिति नहीं समझते हैं बहुत लोग, एक्चुअली प्लेसमेंट और सिर्फ स्वग्रही होना कोई मापदंड नहीं होता किसी चीज का। हम केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में बेसिकली कनेक्शन को बहुत जोर देते हैं, तो आप देख सकते हैं। खैर मैं पहले बता दूं मैंने क्या कहा था। तो जब मुझे उस व्यक्ति ने थोड़ा कहा इस तरीके से, तो मुझे थोड़ा बुरा ही लगा, मुझे गुस्सा आ गया और मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूं भी, मैं ये बात छुपाता नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं तो, या गुस्से में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो गुस्से में नहीं होता है, बात कर रहा हूं तो बोल रहा हूं, कोई बात किसी बात पे रिएक्ट जो होना होता है वही रिएक्ट करता हूं, किसी बात पे जैसा रिएक्ट करना होता है वैसा ही रिएक्ट करता हूं। वहां जबरदस्ती का यूं यूं करने का भी कोई मतलब मैं नहीं समझता, आदमी जैसा है वैसा ही उसे जारी करना चाहिए जो उसको इफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे गुस्सा ही आ गया एक्चुअली। वो लोग राजयोग पे अड़े हुए थे और मैं कह रहा था कि ये दशा उनको अच्छी नहीं जाएगी, तो बहस हो गई थोड़ी सी। उन्होंने कहा ये दशा राजयोगकारी है, बहुत सफलता मिलेगी, ये है वो है। तो मैंने उनको कहा कि तबीयत खराब होगी इस व्यक्ति की इस दशा में, तो उनको और चिढ़ लग गई इस बात से। जब उनको और चिढ़ लगी तो फिर मेरी वाणी थोड़ी और तल्ख हो गई। और मुझे याद है आज भी मैंने यही कहा था उनको कि चंद्रमा की महादशा शुरू होने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह आदमी बंदा एकदम स्वस्थ है, इसको बुखार भी नहीं होता कभी, क्या फलादेश कर रहे हैं आप, और ये वो। और वैसे भी बहुत पावरफुल व्यक्ति जो है वो ज्योतिष को एक इंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, उनको लगता है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के सामने विनम्र होते हैं, वो अपने घमंड से और अपने ईगो की कुर्सी से उतर के ज्योतिष के साथ कंसल्ट नहीं करते, वो ऐसे देखते हैं और वही सुनना चाहते हैं। ज्योतिष भी उनको ऐसे ही कुछ तेल मार देते हैं, वाली बात स्थिति बन जाती है। तो मैंने चिड़ लग गई मेरे को, तो मैंने कहा आप कह रहे हैं ये स्वस्थ है, ये है वो है जो कह रहे हैं, तो अब मेरी सुनिए, आप कह रहे हैं इसको बुखार नहीं होता, मैं कह रहा हूं इस महादशा के शुरू होते ये बंदा हॉस्पिटल जाएगा और इसको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस अटैक होगा। अब तो घर सुन हो गया, मैंने घर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, वहां चार पांच लोग बैठे, उसकी पत्नी बैठी हुई थी, भाई बैठा हुआ था, लड़का बैठा हुआ था, और मेरा बोलने का तरीका आप जानते ही हैं, ऐसे ही बोला मैंने। मैंने कहा बुखार की बात कर रहे हैं, ये बंदा अस्पताल जाएगा, इसको पैरालिसिस अटैक होगा, लेफ्ट साइड में अटैक होगा, जाइए, मैंने बोल दिया, आप देख लीजिएगा राजयोग आ रहा है कि तबीयत खराब हो रही है कि हेल्थ योग आ रहा है, ठीक है, और मैं डिबेट नहीं करना चाहता, बोल के मैं चला आया। ये घटना एक्चुअली 2008 के आसपास की है, जहां तक हाँ मुझे याद है, 8 के अंतिम वर्ष या 2009 के प्रथम वर्ष, 2010 आने में भी देर थी, इस कुंडली का मालिक अभी तक मुझसे मिला नहीं था। अब समझ सकते हैं मैं और ज्यादा क्या बोलूं, मतलब अपनी मर्जी से मिलते हैं ऐसे लोग, मैंने जिसको चॉइस करते हैं, जिससे मिलना है उनसे मिलना, जिससे नहीं मिलना नहीं मिलना वाली ऐसी स्थिति है। हो गई बात, आई गई होगी, मैं चला आया। 2010 में दशा शुरू हो गई, भाई का फोन आ गया मेरे को, सिद्धांत तुमने कहा था कि बड़े भाई को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम लोग अस्पताल भर्ती करके आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में ही पैरालिसिस अटैक हुआ है उसको। भाई जाना नहीं चाहते थे हॉस्पिटल, लेकिन तुम्हारी बात हमें याद थी और हमने भाई को, बड़े भाई को ये बात बोली कि सिद्धांत ने कहा था ऐसा, आप अस्पताल चलो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अस्पताल गए, वो स्वस्थ होके वापस आ गए। उसके बाद मुझे 15-20 दिन बाद मुझे बुलाया और पूछा कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा मेरे हेल्थ के बारे में, सारी जिंदगी ज्योतिष के साथ ही गुजरी है मेरी, ज्योतिष का खुद को भी ज्ञान है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम कचरा ज्ञान था, ज्ञान था उनको ज्योतिष का, लेकिन सतही ज्ञान, इसको मैं कहता हूँ एक्चुअली,
ये राजयोग है, स्वग्रही है, राजयोग है, इसकी दृष्टि है तो धन्ना सेठ है, इस टाइप की बातें। सतही ज्ञान होता है बहुतों लोग, बहुतों को होता है वो सतही ज्ञान, एक्चुअली प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा काम नहीं आता। तो मैंने कहा, मेरी पहला शब्द मेरे मुंह से उस व्यक्ति के सामने भी यही निकला था कि आपका नाम ऐसा है तो भाई लोग आपको खुश करने के लिए बातें करते हैं ना, आपको गुस्सा दिलाने के लिए बातें करेंगे। वो बंदा और सन्न हो गया मेरी बात सुनकर कि ये क्या आदमी है यार, इस तरह से उत्तर दे रहा है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बात तो सही थी। मैंने कहा तबीयत खराब होगी, ये लोग राजयोग राजयोग करके कूद रहे थे, अब मेरी बात फलित हुई तब मेरे सामने उनका मुंह क्या रहा, वो मेरे से क्या बहस करेंगे, वो लोग तो डर रहे पता नहीं अभी और क्या बोल दे। खैर सीधी बात बताता हूं मैं, ये देखिए चंद्रमा कर्क राशि में द्वादश भाव में स्वग्रही है, इस कुंडली में द्वादश भाव में चंद्रमा स्वग्रही होने के बावजूद अब प्रॉब्लम क्या है देखिए। चंद्रमा एस पर केपी तो 11th को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि 11th भाव जो शुरू हो रहा है, द्वादश भाव जो शुरू हो रहा है 21 डिग्री से, और चंद्रमा 8 डिग्री का। लेकिन शनि सिंह राशि में जो 12 डिग्री का है और प्रथम भाव शुरू हो रहा है 20 डिग्री से, तो शनि द्वादश भाव का ही सिग्निफिकेटर रह जाता है। अब मजे की बात यहाँ ये है कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनिदेव के पुष्य नक्षत्र का जातक है ये, और शनि के नक्षत्र में है चंद्रमा। शनि मार्केश भी है। अब शनि मार्केश थोड़ा ज्यादा मार्केश होता है, अब बुध मार्केश हल्का मार्केश होता है, मतलब इस पे भी वीडियो में बना चुका हूं, फिर बना दूंगा मार्केश के अंतर समझाने के लिए आपको। एक तो शनि मार्केश, दूसरा शनि षष्ठेश भी है यहाँ, और शनि एस पर के भी द्वादश में बैठा हुआ है। तो क्या लबोलुआब आपको मिल रहा है यहाँ पर, आप देखिए छठे भाव से संबंध बन रहा है, द्वादश भाव से संबंध बन रहा है वाया चंद्र यानी ग्रह, और केपी का फर्स्ट रूल ही है कि प्लेनेट जो है अपने नक्षत्र के थ्रू फल देगा। चंद्रमा भले ही 11th प्लेसमेंट हो गया, लेकिन चंद्रमा द्वादश का लॉर्ड है और शनि के नक्षत्र में, शनि द्वादश में, तो द्वादश भाव का यहाँ कनेक्शन दो बार बन रहा है, यानी द्वादश भाव का फल इसको स्ट्रांगली मिलना ही है, और छठे भाव रोग के भाव का संबंध मिलना है इसको, रोग भाव से समस्या आनी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आनी है, और शनि मारक भी है, तो द्वादश भाव डबल कनेक्शन बन रहा है। तो हॉस्पिटल छठा भाव रोग, तो रोग हॉस्पिटल यहाँ सीधे सीधे इंगित कर रहा है। बायां हाथ क्यों, बायां बायां साइड क्यों, क्योंकि कुंडली को सीधे तौर पे यहाँ देखे तो ये लेफ्ट साइड इसको मानते हैं हम, और शनि यहाँ लेफ्ट साइड में है, और ये कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन फलादेश का मैंने कहा ना, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि डिपेंड करता है स्थितियों पे कि कब कैसा फलादेश आप दे रहे हैं, क्या आपको समझ में आया। इंस्टेंट एक फीलिंग सिक्स सेंस आपकी आपको आवाज देती है, जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं वो समझते हैं इस चीज को। ऊपर से 6-12 का कॉम्बिनेशन जो मामला मुकदमा वाला कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो चंद्रमा की महादशा अच्छी नहीं जाने वाली थी इनकी, नहीं गई, अभी भी शायद चल रही है, 20 तक रहेगी। और इस चंद्रमा की महादशा में मामला मुकदमा भी हुआ, हेल्थ भी हुआ, हॉस्पिटल भी गए, और समस्या में भी पड़े, मामला मुकदमा में भी उलझ गए, केस भी हुआ, जेल यात्रा भी हुई। तो कहानी का अंत या कहानी का लब्बुलुवाब क्या रहा, कहानी का अंत और लब्बुलुवाब ये है कि द्वादशेश द्वादश में बैठा हुआ है तो ये राजयोग सृष्टि हो गई या विपरीत राजयोग बन गया, और विपरीत राजयोग बन गया करके हमारी बल्ले बल्ले हो गई या हो जाएगी, ऐसी आशा कर लेना या इतनी सरलता से या इतने सरलीकरण से फलादेश कर देना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये शनि जो द्वादश में बैठा था, इस वीडियो को न्यू लर्नर अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी चीज सीख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं। ये शनि अगर द्वादश से कनेक्शन ना होकर, द्वादश से कनेक्टेड ना होकर अगर एकादश से कनेक्शन होता, इसका एकादश से कनेक्टेड हो रहा होता तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, शत्रु वृद्धि होती, जेल यात्रा नहीं होती, शत्रुता वृद्धि होती, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, मामला मुकदमा नहीं होता। तो अब मान लीजिए ये चंद्रमा ठीक किसी स्थिति में एस पर केपी एकादश में है, लेकिन नॉर्मली द्वादश में है, विपरीत राजयोग बना रहा है, शनि के नक्षत्र में होता और शनि एनी हाउ सिंह में ना हो के कर्क का होता, और एस पर केपी मिथुन
में कनेक्शन बना बैठता। ये समझिएगा इस पॉइंट को, जरूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट बैक करके देखिएगा। तो इस जातक की बल्ले बल्ले हो जाती, और हकीकत को समझे बगैर, वस्तु स्थिति को समझे बगैर विपरीत राज्यों के समर्थक कहते कि विपरीत राज्यों की वजह से ये बल्ले बल्ले हो गई। इस जातक चंद्रमा तो स्वग्रही है, और ये चंद्रमा स्वग्रही होने की वजह से इस जातक को इतनी गगनचुंबी ऊंचाइयां मिली हैं। इसी तरह से बोलेंगे ना, इसी तरह से बोलते हैं कई लोग। तो विपरीत राज्यों का ये सरलीकरण गलत है। अच्छा, ये शनि द्वादश में ना होकर अगर एकादश से कनेक्शन ना बनाकर सेकंड हाउस से कनेक्शन बना लेता तो भी इसकी हेल्थ नहीं बिगड़ती। चंद्रमा स्वग्रही मान के चलिए यहां कि चंद्रमा स्वग्रही है, और एक जंप मार के इसको विपरीत राजयोग मत मान बैठिए। हाँ, यही शनि सेकंड से रिलेशन बना रहा होता तो धन मिलता, यही शनि टेंथ से अगर संपर्क बना रहा होता तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ और लाभ होता, लेकिन द्वादश से कनेक्शन बन गया। विपरीत राजयोग का मैं अपनी भाषा में कहूं तो घंटा बज गया यहाँ पर, और बहुत लोगों को बुरा लग जाता है जब हम कहते हैं, या मैं कहता हूँ खास करके, हम क्या कहते हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं कहता, मैं अकेला ही कहता हूँ, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं अकेला ही कहता हूँ और कोई नहीं कहता, जैसे कि शनि न्यायाधीश नहीं है, ये मैं अकेला ही कहता हूँ। पूरे यूट्यूब पे आप छान के देख लीजिए, कोई ज्योतिष नहीं कहता है कि शनि न्यायाधीश नहीं, सभी कहते हैं शनि न्यायाधीश है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल के पीछे चल रहे हैं। 10 साल पहले 15 साल पहले ज्योतिष से जुड़े थे जो लोग, वो ज्योतिष की बहुत सी वस्तु स्थिति से वाकिफ नहीं है, शुरुआती भेड़ चाल में फंस गए, अब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। जैसे वो शनि शत्रु नहीं मित्र वाली कहानी, बात सही है, शनि शत्रु नहीं मित्र है, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, दूसरे पर्सपेक्टिव में है। मैंने एक बार बताया था एक वीडियो में कि शनि के बिना जीवन ही नहीं चलेगा, लेकिन यूनिवर्सल इफेक्ट एंड इंडिविजुअल इफेक्ट में कुछ अंतर होते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है फलादेश की दृष्टि से खास करके। तो जो न्यू लर्नर है उनके लिए ये वीडियो मैं समझता हूं काफी हेल्पफुल रहेगा, उनको समझ में आएगा कि फलादेश का डिफरेंस कैसे आता है, और जो विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग को लेकर भी परेशान रहते हैं कि मेरा विपरीत राजयोग है कुछ नहीं हुआ, या नीच भंग राजयोग है कुछ नहीं हुआ, या विपरीत राजयोग आने वाला है अब तो मैं हाथ से ही गर्दने उड़ा दूंगा सामने वाले की, ऐसी सोच भी हो जाती है बहुत। इस व्यक्ति की भी यही सोच थी, ये चंद्रमा की महादशा में ये बहुत कुछ सोच के बैठे हुए थे कि एकदम मतलब क्या से क्या हो जाने वाला है। अब मेरी बात बुरी लग गई इसलिए जब मैंने कहा कि ये दशा अच्छी नहीं आएगी, और अच्छी नहीं गई, मैं एग्जाम्पल हूं, यानी मैं साक्षी हूं, साक्षी मतलब सबूत जिसको कहते हैं, आई विटनेस हूं इस चीज का। तो ये शेयर की मैंने अपना अनुभव और अपने ये रियलिटी इस चार्ट की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफरेंस कैसे तैयार हो जाते हैं। अभी ये शनि एकादश से कनेक्शन बना रहा होता तो इस जातक की बल्ले बल्ले हो जाती, आप नक्षत्र कनेक्शन को ख्याल ही नहीं करते, विपरीत राजयोग समझ के कूदते कि विपरीत राजयोग की वजह से इसका तो एकदम कल्याण ही कल्याण हो गया, तो वो गलत ज्योतिष होती, वो गलत चीज आप सीख के बैठे होते। तो इस चीज का ध्यान रखना है, गहनता से देखना है, ब्लेंडिंग को समझना है। केपी का सिंपल सा रूल है, बहुत ज्यादा कठिनाई वाला रूल नहीं है, कि प्लैनेट से पहले या प्लैनेट फल देता है अपने नक्षत्र के थ्रू। ठीक है, इजाजत दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।